Good morning. Let us discuss another topic of genetics, that is gene interaction or a new Mendelism. देखो आमे लास्ट क्लास रे मेंडेल करो हेरिडिटरी एक्सपेरिमेंट स्टडी कर थिले पुनी हेरिडिटरी एक्सपेरिमेंट परे मेंडेल जो कंक्लूजन ड्रॉ कर थिले जहाँ का मैं हेरिडिटर लॉ कहूँ ताकू भी आम एनालिसिस कर थिले तो मेंडेल को हेरिडिटरी लॉ को जो दिया मैं एनालिसिस करीबा तारा कंक्लूजन एया अकॉर्डिंग टू मेंडेल ए जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर गुटिए जीन गुटिए कैरेक्टर एक्सप्रेशन पाई दाई एटा मेंडेल को व्यू फर्दर मेंडेल कहते ए सिंगल जीन इज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स कॉल्ड एलील्स ए सिंगल जीन इज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स कॉल्ड एलील्स आउट ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स वन इज डोमिनेंट एलील अदर वन इज रिसेसिव एलील फॉर एग्जांपल द हाइट कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग जीन ऑफ अ गार्डन पी प्लांट द हाइट कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग जीन ऑफ अ गार्डन पी प्लांट हैज टू डिफरेंट एलील्स वन इज डोमिनेंट एलील अदर वन इज रिसेसिव एलील फर्दर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते व्हेन ए पेयर ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर देन ओनली वन एलील कैन एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर अदर वन कैंट The allele which expresses its character is dominant one and other one is recessive. Further, Mendel ko law of segregation ko uchi allelic pair gamete ko kala bale parospar to separation nahi jaati. Eta universal law, a law ro konsi exception nahi. Further, Mendel ko gote law of unit character, se law ko uchi a single gene is responsible for the expression of a character. Gutiye gene, gutiye character expression kare. When a number of genes are present together, then each gene independently expresses its character. Mendel ko law of unit character kouchi, ekadhiko gene sango hoiki thila bele, prati gene independently expression hoanti. Ela Mendelian view regarding heredity or regarding the expression of genes. Fact eya, usually genes express their characters according to Mendelian principle. नेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी थी जीन माने मेंडेलियन प्रिंसिपल अनुसार एक्सप्रेशन हूँ एटे फैक्ट कि इंटरेस्टिंग कथा है किसी जीन अच्छा से माने मेंडेलियन प्रिंसिपल डेविएट करके एक्सप्रेशन हूँ किसी केस रे किसी जीन अच्छा से माने मेंडेलियन प्रिंसिपल को डिसओबे करती मेंडेलियन प्रिंसिपल रु डेविएट करके एक्सप्रेशन हूँ तो जो जीन माने मेंडेलियन प्रिंसिपल डेविएट करके एक्सप्रेशन हूँ से मानक क्या नॉन मेंडेलियन फैक्टर बा नॉन मेंडेलियन जीन आ कंडीशन को कहते जीन इंटरेक्शन सो रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ जीन इंटरेक्शन वी कैन से व्हेन जीन्स एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर बाय डेविएटिंग फ्रॉम मेंडेल्स लॉज ऑफ हेरिडिटी देन सच फेनोमेनन इज कॉल्ड जीन इंटरेक्शन और न्यू मेंडेलिज्म इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बेटसन एज फैक्टर्स हाइपोथेसिस जीन इंटरेक्शन और न्यू मेंडेलिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बेटसन एज फैक्टर्स हाइपोथेसिस ओके तो सिंपल कथा है यूजुअली जीन मेंडेलियन प्रिंसिपल अनुसार एक्सप्रेशन हूँ जथा ए जीन एक्सप्रेसेस ए कैरेक्टर ए सिंगल जीन हैज टू एलील्स When such alleles are present together, then only one allele can express its character. ये ला मेंडेलियन प्रिंसिपल क्योंकि जो दिए मेंडेलियन प्रिंसिपल रु कौनों सी जीन भावलेट करों दी जो दिए कौनों सी जीन मेंडेलियन प्रिंसिपल को डिसोबे करे जो दिए कौनों सी जीन मेंडेलियन प्रिंसिपल रु डेविएट करके एक्सप्रेशन हुए तब से जीन मान को कौन दी नॉन मेंडेलियन फैक्टर्स अब ये कंडीशन को कौन दी जीन इंटरेक्शन और न्यू मेंडेलिज्म ओके देन जीन इंटरेक्शन इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स जीन इंटरेक्शन इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स वन इज इंटर एलीलिक और इंट्रा जेनिक जीन इंटरेक्शन अदर वन इज नॉन एलीलिक और इंटर जेनिक जीन इंटरेक्शन देखो जदि गुटिए जीन रो दीटा एलील लेट ए गुटे जीन ए जीन रो ए दीटा एलील तो गोटे जीन रो दीटा एलील जदि मेंडेल लॉ ऑफ डोमिनेंस रु
डेभीएट करती कौन सब कह इंटर आलिक इंट्राजेनिक जीन इंट्राक्शन कि मन कर गोटे ऑर्गेनिज्म ए गोटे जीन अच्छी बी गोटे जीन अच्छी जदि ए जीन बी जीन निज भितर कौन प्रकार इंट्राक्शन करती जथा ए जीन निज क्यारेक्टर एक्सप्रेसन जी बी जीन आसीस्टेन्स नौ थो ए जी ए बी उभय मिसी जो गोटे क्यारेक्टर एक्सप्रेसन करेंगे जदि गोटे क्यारेक्टर एक्सप्रेसन उभय जीन सेम कंट्रीब्यूशन नौ थोड़ी एमती हो गोटे जीन आउ गोटे जीन एक्सप्रेसन को मास्क कर गोटे जीन जब आउ गोटे जीन एक्सप्रेसन को बंद कर ताले ए कंडीशन को कहती नॉन आलिलिक बा इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन जब अलग अलग जीन रो आलिली लेट ए जीन ता धीरे आलिली बी जीन ता धीरे आलिली जब एम मेंडेलियन प्रिंसिपल रु डेविएट करके एक्सप्रेसन है से नॉन आलिलिक बा इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन जब गोटे जीन रो दुटा आलिली मेंडेल को लॉ ऑफ डोमिनेंस रु डेविएट करके एक्सप्रेसन है ताले कहते इंटर आलिलिक जीन इंटरेक्शन तो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ जीन इंटरेक्शन सचेज इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस मल्टीपल एलीलिज्म प्लियोट्रोपी एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फर्स्ट लेट अस डिस्कस वन कॉमन एग्जांपल ऑफ जीन इंटरेक्शन दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस Incomplete dominance. It is one type of, it is an example of inter-allelic or intragenic gene interaction. It is the deviation of Mendel's law of dominance. Janimas incomplete dominance kon. Gene interaction is a common example of incomplete dominance. So incomplete dominance kon dekhiba asa. Let A gute gene. ए जीन रो ए दुटा आलिलिज तो मेंडल को लॉ ऑफ डोमिनेंस कह अनुसार यही आलिलिक पेयर सांग जड़े गुण प्रकाश कर जी गुण प्रकाश कला सी डोमिनेंट आलिली अंटा रिसेसिव आलिली एटा मेंडल को लॉ कह एक ठीक 99% केस रे कथा ठीक कि किसी केस रे देखा जा गोटे जीन रो दुटा आलिली सांग लेट ए जीन रो ए आउ कैपिटल ए स्मॉल ए गोटे जीन रो ए दुटा आलिली सांग किसी केस देखा जाए रिसेसिव ए इन्फ्लुएंस रे ये डोमिनेंट कंप्लीटली नुहे पार्शियली निज कैरेक्टर एक्सप्रेशन करुछ किसी केस देखा जाए आलिलिक पेयर सांग रिसेसिव आलिली रो इन्फ्लुएंस रे डोमिनेंट आलिली पार्शियली एक्सप्रेशन हो देख जदि गोटे जीन रो दुटा आलिली सांग मेंडल को लॉ ऑफ डोमिनेंस रु से डेविएट करके जदि एमती एक्सप्रेशन होती जे रिसेसिव आलिली उपस्थित रे डोमिनेंट आलिली पार्शियली जदि एक्सप्रेशन होतबो ताले कंडीशन को आजो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जदि रिसेसिव आलिली उपस्थित रे डोमिनेंट आलिली जदि पार्शियली एक्सप्रेशन होतबो ताले कंडीशन को कोंदी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर एग्जांपल नबा आर एग्जांपल गु कॉमन एग्जांपल होछ यार ए फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा और फोर ओक क्लब प्लांट फ्लावर कलर ऑफ फोर ओ क्लॉक प्लांट और साइंटिफिक नेम है मीरा बिलिस जालापा और इनकम्प्लीट डोमिनेंस रो एग्जांपल है फ्लावर कलर ऑफ फोर ओ क्लॉक प्लांट फोर ओ क्लॉक प्लांट रो साइंटिफिक नेम मीरा बिलिस जालापा उड़िया रे कहती रंगणी गछ बा संध्या मणि गछ तो देखिबा से एग्जांपल टा नेकी देख मिराबिलिस जालापा बा फोर ओ क्लॉक प्लांट रो फ्लावर कलर कैरेक्टर एक्सप्रेशन पाई गोटे जीन अच्छे आर जीन तो आर जीन फ्लावर कलर कैरेक्टर एक्सप्रेशन करे आर जीन हैज टू डिफरेंट एलील्स वन इज डोमिनेंट एलील अदर वन इज रिसेसिव एलील आर जीन रो दुटा एलील गोटे डोमिनेंट आलिली गोटे रिसेसिव आलिली डोमिनेंट आलिली फ्लावर कलर को रेड कराए रिसेसिव आलिली फ्लावर कलर को कलरलेस मीन्स व्हाइट कराए तो मिराबिलिस जालापा प्लांट रो फ्लावर कलर कैरेक्टर एक्सप्रेशन पाई गोटे जीन अच्छी आर जीन
आर जीन हेज टू अल्टरनेटिव फर्म्स. आर जीन दुटा अल्टरनेटिव फर्म मीनस आलिलीज. आर जीन डोमिनेंट आलिली फ्लावर कलर को रेड कराए, रिसेसिव आलिली फ्लावर कलर को व्हाइट कराए. तो जो गोटे मिराबिलिस जलवा प्लांट रो जीनोटाइप हम कैपिटल आर कैपिटल आर, तो ऑब्वियसली द फ्लावर कलर टा रेड हम रेड फ्लावर. जो जीनोटाइप हम स्मॉल आर फ्लावर कलर टा हम व्हाइट कलर व्हाइट फ्लावर. जदि आम यहीटा प्लांट को हाइब्रिडेशन करवा गोटे प्रकार मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये है पेरेंट्स. तो आ गैमेट्रे रोइबो कैपिटल आर जीन, आ गैमेट्रे रोइबो स्मॉल आर जीन, ये गैमेट्स दुटा गैमेट्रे फ्यूजन होगी सृष्टि है एफ1 हाइब्रिड. एफ1 हाइब्रिड जीनोटाइप हम कैपिटल आर स्मॉल आर, फेनोटाइप हम फ्लावर कलर टा हवा कथा मेंडल को लॉ अनुसार, मेंडल को लॉ अनुसार फ्लावर कलर टा हवा कथा रेड किंतु हुए पिंक. पिंक मीन्स गुलाबी रंग ईसत लाल. ता माने एटी कोन आमे देखले को मेंडल को लॉ ऑफ डोमिनेंस अनुसार डोमिनेंट आलील जो कैरेक्टर एक्सप्रेशन करवा कथा कंप्लीटली जहाँ फ्लावर कलर टा रेड होगा कथा किंतु एटी रिसेसिव आलील प्रेजेंस रे डोमिनेंट आलील पार्शियल एक्सप्रेशन होती. मैंने हेटेरोजाइगस कौन चलने डोमिनेंट आलील निज कैरेक्टर को कंप्लीटली एक्सप्रेशन कर पार्लानी, पार्शियल एक्सप्रेशन है तेणु यहाँ कहते इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये गोटे प्रकार जीन इंटरेक्शन. तमें यहाँ मेंडल को लॉ भावलेसन, मेंडल को लॉ ऑफ डोमिनेंस रहा डेविएशन, मेंडल को लॉ ऑफ डोमिनेंस रहा डेविएशन जहाँफल एफ1 हाइब्रिड है पिंक कलर. अच्छा एफ1 हाइब्रिड दु प्रकार गैमेट दबो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अनुसार, किसी गैमेट्रे कैपिटल आर रही, किसी गैमेट्रे स्मॉल आर रही, ये है गैमेट्स. अच्छा यही गैमेट को लेकिन जो आम पॉसिबल कॉम्बिनेशन करवा एपटे कैपिटल आर गैमेट एपटे मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट. तो यही प्रकार फीमेल गैमेट ये प्रकार मेल गैमेट जो मिसले जो प्लांट हो से प्लांट जीनोटाइप हम कैपिटल आर फेनोटाइप हम रेड फ्लावर. यही गैमेट मिसले कैपिटल आर स्मॉल आर फ्लावर कलर टा हम हवा कथा रेड लॉ ऑफ डोमिनेंस अनुसार मेंडल को लॉ अनुसार रेड कलर हवा कथा किंतु होउची पिंक. तमन एडी मेंडल को लॉ डेविएशन होउची एटा को इनकम्प्लीट डोमिनेंस. यही गैमेट मिसले जीनोटाइप हम कैपिटल आर स्मॉल आर फेनोटाइप हवा कथा रेड किंतु हम पिंक स्मॉल आर हेले व्हाइट. तो ये है एफ टू जेनेशन. तो मेंडल को लॉ ऑफ डोमिनेंस अनुसार ए मोनोहाइब्रिड सॉरी मेंडल को प्रिंसिपल अनुसार मेंडल को प्रिंसिपल को जदि जीन माने ओबे करथांते ताले ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट रो एफ टू जेनेशन रो फेनोटाइप रेशियो होइथांदा 3:1 3 रेड इज टू 1:5 जीनोटाइप रेशियो होइथांदा 1 कैपिटल आर इज टू 2 कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू 1 स्मॉल आर स्मॉल आर. किंतु ये कैसे हो देखा आस. तो एफ टू जेनेशन रत प्रकार फेनोटाइप डेवलप हो देख फेनोटाइप्स 3 टाइप्स रो जथा 1 रेड एटा 2 पिंक 1 व्हाइट. ता माने रेशियो है फेनोटाइप रेशियो हम 1:2:1 जीनोटाइप रेशियो से हम जीनोटाइप रेशियो हम से 1 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू 1 स्मॉल आर स्मॉल आर. तो जीनोटाइप रेशियो हम 1 कैपिटल आर इज टू 2 कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू 1 स्मॉल आर स्मॉल आर. ता माने फेनोटाइप रेशियो इक्वल टू जीनोटाइप रेशियो इक्वल टू 1:2:1. देखो यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट रो एफ टू जेनेशन रे फेनोटाइप रेशियो हवा कथा 3 रेड इज टू 1 व्हाइट 3:1 हवा कथा. किंतु जेहेतु ये जीन मेंडेलियन प्रिंसिपल डेविएट करुची ता माने जेहेतु गोटे प्रकार जीन इंटरेक्शन ये गोटे प्रकार जीन इंटरेक्शन होउची अर्थात एटी जीन माने जेहेतु मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस रु डेविएट करुचंती तेणु रेशियोटा फेनोटाइप रेशियोटा मॉडिफाइड है 3:1 रु 1:2:1 फेनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो समान है. तो ये होउची इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये गोटे प्रकार इंटर आलिलिक जीन इंटरेक्शन तमें गोटे जीन दुटा आलिल गोटे जीन दुटा आलिल मेंडल को लॉ ऑफ डोमिनेंस रु डेविएट करके एक्सप्रेशन होउचंती. ये गोटे प्रकार इंटर आलिलिक जीन इंटरेक्शन. तो जीन इंटरेक्शन गोटे कमन एक्जामपल गला इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तार एक्जामपल है फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा आउरी बहरे बहुत एक्जामपल दे ड्रैगन्स प्लांट इत्यादि आउ दे ड्रैगन्स फ्लावर प्लांट इत्यादि ताको तुम निजे देखियो. सेकंड एक्जामपल लवा एटा भलो भाव लेखिनियो. तो यही जो डाटा को तले लिखियो फेनोटाइप रेशियो 1:2:1 जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 एबे आसे आउ गोटे एक्जामपल नवा कोडोमिनेंस.
कोडोमिनेंस ये गोटे प्रकार इंटर आलिलिक बा इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन ये कौन जानवास देख लेट गोटे ऑर्गेनिज्म रे ए जीन अच्छे ए जीन ये दुटा आलिलिक मेंडल को लॉ ऑफ डोमिनेंस कह अनुसार ए जीन दुटा आलिलिक सांग होता बेले केवल गोटे आलिल एक्सप्रेसन हम अन्य नुहे तमें हेटेरोजाइगस कौन छाने केवल गोटे आलिली क्यारेक्टर एक्सप्रेसन कर जो आलिली क्यारेक्टर एक्सप्रेसन कर डोमिनेंट आलिली अंट कह रिसेसिव आलिली एटा मेनर लॉ ऑफ डोमिनेंस कहूँ एक कथा 99% केस ठीक किंतु किसी केस देखा जाए गोटे जीन दुईटा आलिली सांग होता बेले उभय आलिली इंडिपेंडेंटली निज क्यारेक्टर एक्सप्रेसन कर कैपिटल ए भी क्यारेक्टर एक्सप्रेसन कर स्मॉल ए भी क्यारेक्टर एक्सप्रेसन कर तो जदि कौन केस गोटे जीन दुईटा आलिल सांग होता बेले उभय निज क्यारेक्टर एक्सप्रेसन करेंगे तेल कौन कह डोमिनेंस एटा मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस डेविएशन ये गोटे प्रकार इंटर आलिलिक इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन कथा रिव्यू कर देख कोडोमिनेंस मीन्स व्हेन बोथ द आलिल्स एक्सप्रेस देयर रेस्पेक्टिव क्यारेक्टर्स और ट्रेट बाय डेविएटिंग फ्रॉम मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जदि हेटेरोजाइगस कंडीशन रे अर्थात डोमिनेंट आलिली रिसेसिव आलिली सांग होता बेले उभय आलिली इंडिपेंडेंटली निज क्यारेक्टर एक्सप्रेसन करेंगे जदि उभय आलिली इंडिपेंडेंटली निज क्यारेक्टर एक्सप्रेसन करेंगे तेल ये कंडीशन को कोडोमिनेंस एटा मेंडल लॉर डेविएशन एटा हूँ गोटे प्रकार इंटर आलिलिक इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन आर एग्जांपल नवा आर एग्जांपल है कूट कलर ऑफ केटल कूट कलर ऑफ केटल गोरु मानकर जो बॉडी कलर टा कूट कलर मीन्स जो बॉडी कलर टा डेवलप हुए हेयर जो हेयर कलर अनुसार केटल मानकर बॉडी कलर डेवलप हुए तो केटल मानकर कूट कलर कैरेक्टर एक्सप्रेसन पाई गोटे जीन अच्छे डब्ल्यू जीन डब्ल्यू जीन दुटा अल्टरनेटिव फॉर्म अच्छे डोमिनेंट आलिली डिसीसिव आलिली तमाने आमको आज आलिलिज गोटे जीन दुटा आलिली कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कूट कलर को डार्क कलर कराए रेड बा ब्लैक कलर जे डार्क कलर कराए स्मॉल डब्ल्यू कूट कलर को व्हाइट कराए डार्क कलर व्हाइट कलर देख डब्ल्यू गोटे जीन डब्ल्यू जीन कैटल मान बॉडी अच्छी डब्ल्यू जीन दुटा अल्टरनेटिव फॉर्म आलिलिज अच्छा कैपिटल डब्ल्यू कूट कलर को डार्क कलर कराए माने जो रेड बा ब्लैक ब्लैक कलर स्मॉल डब्ल्यू कूट कलर को व्हाइट कराए तो जदि आम गोटे कैटल जीनोटाइप जदि गोटे कैटल जीनोटाइप हो कैपिटल डब्ल्यू तार कूट कलर टा हम डार्क कलर जो स्मॉल डब्ल्यू कूट कलर हम सॉरी स्मॉल डब्ल्यू जीनोटाइप हम तो कूट कलर टा हम व्हाइट जब एम को आम नहीं हाइब्रिडाइजेशन करवा पेरेन्ट्स भाव में पेरेन्ट्स भाव में नहीं हाइब्रिडाइजेशन करवा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस एफ टू जेनरेशन फेनोटाइप रेशियो हवा कथा 3:1 जीनोटाइप रेशियो तो सब 1:2:1 देखा से कौन हो को आर गेमेट रे कौन जीन रोइबो कैपिटल डब्ल्यू आ गेमेट रे रोइबो स्मॉल डब्ल्यू ये गेमेट्स ये पेरेंट्स ये गेमेट्स गेमेट रो फ्यूजन है कि सृष्टि है एफ1 हाइब्रिड एफ1 हाइब्रिड जीनोटाइप कौन हो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू तो मैंने एफ1 हाइब्रिड हेटेरोजाइगस अच्छा लॉ ऑफ डोमिनेंस कौन है हेटेरोजाइगस कौन सा केवल गोटे आलिली गुण प्रकाश कर जो आलिली गुण प्रकाश कर डोमिनेंट अंटी रिसेसिव एटी कौन हो देख हेटेरोजाइगस कंडीशन केटल गैस हेटेरोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट आलिली भी निज क्यारेक्टर प्रकाश कर रिसेसिव आलिली तो निज क्यारेक्टर एक्सप्रेसन कर केटेल देखियो ये हेटेरोजाइगस केटेल मानक अर्थात एफ1 हाइब्रिड किसी ता बॉडी किसी पार्ट पूरा ओ डार्क देखा जा पार्ट व्हाइट हो हेड अपर पार्ट ब्लैक होते लोअर पार्ट व्हाइट हो कि बॉडी आब्डोमेन पेट भाग गोटे साइड ब्लैक होते गोटे साइड व्हाइट हो कि पीठपट ब्लैक होते पेट पट व्हाइट हो तो ये कलर को कहते रोन कलर रोन कलर मतलब कह एफ1 हाइब्रिडा हेटेरोजाइगस मेंडल लॉ अनुसार जदि ये आलिलिज एक्सप्रेसन होता तो एफ1 हाइब्रिड कलरटा होता डार्क कलर किंतु कैटल गैस होची रोन कलर तो ये कौन हो कह ये हेटेरोजाइगस कंडीशन
कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लॉ ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस रु डेविएट करके इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेशन होती उभय डोमिनेंट एलील पर एक्सप्रेशन होती तो ये कंडीशन को कहा डोमिनेंस को डोमिनेंस जो एफ1 हाइब्रिडटा रोन कलर हो तो एफ1 हाइब्रिड दबा दी प्रकार गैमेट एफ1 हाइब्रिडटा हेटरोजाइगस हेटरोजाइगस एफ1 हाइब्रिड मेंडल लॉ अनुसार डार्क कूड कलर डेवलप करने कथा किंतु कूड कलर टा होची रून कलर तमाने ये जो आलिलिज मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस रु डेविएट कले तमाने एटा गोटे प्रकार जीन इंटरेक्शन एटा गोटे जीन लो दीटा आलिलि मेंडल लॉ रु डेविएट करनती तमाने एटा गोटे प्रकार इंटर आलिलिक बा इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन पुनी एटी देखो उभय आलिलि इंडिपेंडेंटली उभय आलिलि डोमिनेंट आलिलि पर एक्सप्रेशन होचंती उभय आलिलि डोमिनेंट पर गुण प्रकाश कले इबिता गुण प्रकाश कला इबिता गुण प्रकाश कला तुने कंडीशन को आजिवो कूड डोमिनेंस ये गोटे प्रकार इंटर आलिलिक जीन इंटरेक्शन एग्जांपल तब देखो एफ1 हाइब्रिड तब दी प्रकार गैमेट किसी गैमेट रहा कैपिटल डब्ल्यू किसी गैमेट रहा स्मॉल डब्ल्यू ये एफ1 हाइब्रिड गैमेट्स अच्छा एफ1 हाइब्रिड गैमेट्स को लेकिन आम फर्टिलाइजेशन करवा दी प्रकार मेल गैमेट दी प्रकार फीमेल गैमेट रहा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हेल्ले चार प्रकार कॉम्बिनेशन हम एपटे नियो मेल गैमेट को एपटे नियो फीमेल गैमेट को कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये गेमेंट विषय जो और जो ऑफस्प्रिंगटा हाँ जीनो टाइप हम कैपिटल डब्ल्यू तार फेनोटाइपटा हम डार्क कलर ता कूड कलर डार्क हम ये गेमेट्र फर्टिलाइजेशन है जो ऑफस्प्रिंगटा हम ता जीनो टाइप हम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू फेनोटाइप हवा कथा डार्क कलर कितु हूँ रून कलर ये गेमेंट विषय कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू फेनोटाइप हम रून कलर कोड डोमिनेंस जो अच्छा ए गैमेट हेले इटा हबो वाइट तो एफ टू जेनरेशन रे एफ टू देखो एफ टू जेनरेशन रे दी प्रकार फेनोटाइप डेवलप हवा कथा डार्क 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 व्हाइट हवा कथा मेंडल को लॉ अनुसार किंतु एडी जेतु ए जीन माने मेंडेलियन लॉ रु डेविएट कले एडी हबो 1 डार्क 2 रून 1 व्हाइट त माने फेनोटाइप रेशियो हबो 1:2:1 फेनोटाइप रेशियो समान 1:2:1 जीनो टाइप रेसीो हम सी जीनो टाइप रेसीो चेंज हमारे ना जीनो टाइप रेसीो से 1:2:1 हम तम फेनोटाइप रेसीो कल जीनो टाइप रेसीो को डोमिनेंस केस रे तो आम देखो ये देख को डोमिनेंस मीन जो गोटे जीन दुईटा आलिली मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस रु डेविएट करके उभय डोमिनेंट पर गुण प्रकाश करेंगे ये भी गुण प्रकाश करेंगे ये गुण प्रकाश करेंगे कंडीशन को आज को डोमिनेंस एटा मेंडल लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस रु डेविएशन तम ये गोटे प्रकार इंटर आलिलिक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन आर अन्य सब एग्जांपल देखियो बहि रे मनुष्य जो ब्लड ग्रुप आई मनुष्य एबीओ ब्लड ग्रुप गुण प्रकाश कर आई जीन दुईटा आलिली जो अच्छा तीन टा आलिली भितर आई ए आई बी जो दुईटा डोमिनेंट आलिली से को डोमिनेंट आलिली पर गुण प्रकाश करती उभय डोमिनेंटली गुण प्रकाश करती आम देखा आगे गले तो ये गला को डोमिनेंस ये गोटे प्रकार जीन इंटरेक्शन आउ जीन इंटरेक्शन एग्जांपल नवा प्लियोट्रोपी ये भल भाव लिखी नि रेसीोटा जो रेसीोटा तले लिखो देखो फेनोटाइप रेसीोटा हवा कथा 3:1 किंतु हैला 1:2:1 तब माने एटा मेंडल लॉ रो डेविएशन जुग हैला दीरा एग्जांपल कोइली गुडे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आउट ऑफ को डोमिनेंस दे आउट एग्जांपल नबासो प्लियोट्रोपी